नमस्कार दोस्तों, हमने एक फ़ोल्डर में सारी चीज़ों को यहाँ पे डाउनलोड करके रखा है। ओजोन की, थिम्पी की, टेसरेक्ट थीम की, ये सारी चीज़ें हमने किया हुआ है। तो पोर्टो थीम देखिए 72 MB का है, लेकिन इसकी थीम जो है 25 MB की है। बाकी सब एसेंशियल फाइल हैं, आपको उनको नहीं परेशान होना है। उस पर ऑटोमेटिक वो आ जाएगा जैसे ही आप इंस्टॉल करेंगे, अगर आप प्रयोग करते हैं तो। आपको इसको एक्सट्रैक्ट करने के बाद, आपको एक्सट्रैक्ट जब से ही करेंगे, थीम फाइल में जाएंगे और ये देखिए पोर्टो थीम जो 25, 26 MB, 27 MB की मिलेगी, उसी को इंस्टॉल करना है। तो चलिए अब इस शुरू करते हैं। तो आपको वर्डप्रेस किस तरीके से इंस्टॉल करना है, ये सारी चीज़ें आप जानते हैं। अगर नहीं जानते तो हमारी वीडियो वर्डप्रेस में जाकर देख सकते हैं। और यहाँ पर देखिए, हमने हमने जो वर्डप्रेस अभी लेटेस्ट इंस्टॉल किया हुआ है, ये देखिए shop.up.ac.com। ये देखिए एकदम बेकार, कुछ भी इसमें अच्छा नहीं दिख रहा है। तो हम आपको बताएंगे किस तरीके से इसको एक एफिलिएट साइट, यानी एक कॉमर्शियल साइट बनाई जा सकती है और जिस पे आप प्रोडक्ट बेच सकते हैं। आप प्रोडक्ट तो बेचेंगे नहीं, लेकिन आप किस तरीके से एफिलिएट अमेज़ॉन का प्रयोग कर सकते हैं, और वो भी बहुत अच्छे ढंग से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आपको दोस्तों जाना है थीम में और आपको एक नई थीम इंस्टॉल करनी है। उस थीम का नाम है टेसरैक्ट थीम, जो बिल्कुल फ्री है। तो मैंने पहले से ही थीम को इंस्टॉल कर लिया है। आपको जाना है, अगर आप नए हैं, आपको नहीं पता है, तो अपलोड थीम पे जाना है और इस फाइल को यहाँ से ले लेना है जहाँ पे आपने फाइल को रखा हुआ है। तो अगर आपका जो जहाँ पे टेसरैक्ट है, मेरा डेस्कटॉप पे है। डेस्कटॉप के बाद मैंने रखा हुआ है अमेज़ॉन के नाम से एक हमारा फोल्डर है, ये देखिए अमेज़ॉन एफिलिएट, और यहाँ से ले लेना है। तो मैंने ऑलरेडी इंस्टॉल किया हुआ है समय बचाने के लिए, तो आप देख सकते हैं। तो मैं थीम पे जाता हूँ और मैं देखता हूँ कि ये थीम एक्टिवेट है कि नहीं। तो हम देखते हैं कि हमारा जो टेसरैक्ट थीम है वो एक्टिवेट है। ये देखिए हमारी टेसरैक्ट थीम एक्टिवेट है। दोस्तों हम प्लगइन में जाते हैं, प्लगइन में देखते हैं कि हमें दो प्लगइन का इस्तेमाल करना है। वो दोनों प्लगइन ये रहे, हमें इस्तेमाल करना है ऊ कॉमर्स फर्स्ट और सेकेंड जो है ये ओजोन का। ये आपको नहीं मिलेगा, कहाँ पे नहीं मिलेगा, इन सब में जितनी चीज़ें मैं बता रहा हूँ ना, तो आपको थीम मिलेगी सर्च करने पे इसमें, और ना ही प्लगइन मिलेंगी। ये आपको बाहर से जाके परचेज़ करना पड़ेगा। और टेसरैक्ट थीम आप टेसरैक्ट वेबसाइट पे जाके फ्री में प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन अनब्रांडिंग उसकी नहीं कर सकते हैं इन द साइड ऑफ फुटर सेक्शन। तो चलिए शुरू करते हैं। आपको हमने वही चीज़ बताई कि आपको ऐड न्यू पे जाना है प्लगइन इस्तेमाल करने के लिए, और वहाँ जहाँ पे आपका प्लगइन है वहाँ से इसको अपलोड कर लेना है यहाँ से, और आप बिल्कुल कर लेंगे इस तरीके से। तो ये सारी चीज़ें हम अब नहीं बताएंगे और चलिए अब डायरेक्ट चलते हैं। ऊ कॉमर्स को आप पा सकते हैं, ऊ कॉमर्स को यहाँ से न्यू पे जा करके सर्च करेंगे तो ऊ कॉमर्स मिल जाएगा। तो हमने दोनों प्लगइन को मैं एक्टिवेट कर लेता हूँ, और यहाँ पे इसके लिए रिकमेंड है टेसरैक्ट थीम के लिए कि आप बीबर बिल्डर का प्रयोग करिए। तो मैं सारे अपने प्लगइन्स को एक्टिवेट कर लेता हूँ और वन क्लिक पे, और इसको एक्टिवेट मैं करता हूँ अप्लाई। दोस्तों जब कभी हम ई कॉमर्स साइट का इस्तेमाल करते हैं तो देखते हैं कि ये समस्या आ रही मेमोरी 40 MB, क्योंकि इसको 128 MB न्यूनतम चाहिए। और किस तरीके से आप PHP लोकेशन को वर्डप्रेस के लिए बढ़ा सकते हैं, तो चलिए सीखते हैं। छोटा सा काम है, कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं होती है। आपको डबल स्लैश लगाना है, इंक्रीज वर्डप्रेस मेमोरी लिमिट, यहाँ कुछ भी लग सकते हैं, कमेंट सेक्शन है, और यहाँ पे डिफाइन करना वर्डप्रेस मेमोरी को लिमिट 256। हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे और इसको आप चाहे तो याद भी कर सकते हैं। तो चलिए हम इसको कॉपी कर लेते हैं। आपको चलना है अपने सी पैनल में, सी पैनल के बाद फाइल मैनेजर, और फिर रूट डायरेक्टरी। रूट डायरेक्टरी में आपको wp-config.php। दोस्तों बस इंटर करना है, इंटर करने के बाद कोड पेस्ट कर देना है Ctrl-V से, और फिर सेव कर देना है। और आप देखेंगे ये देखिए सक्सेसफुली हो गया। क्लोज़ कर दीजिए, इसको भी हम क्लोज़ कर देते हैं, और आके यहाँ पे रिफ्रेश करते हैं और देखते हैं हमारी लिमिट का क्या हाल चाल है। तो देखिए ये प्रॉब्लम लगभग सॉल्व हो जाएगी। तो चलिए हम रिफ्रेश करते हैं। रिफ्रेश करने के बाद देखिए बिल्कुल ये प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। तो किस तरीके से आप मेमोरी बढ़ा सकते हैं, बिल्कुल देखा आपने, ये सारी समस्या आपकी सॉल्व हो। दोस्तों देखा आपने, हमने प्लगइन एक्टिवेट कर लिया। प्लगइन एक्टिवेट करने के बाद हमने मेमोरी भी बढ़ा ली। मेमोरी बढ़ाने के बाद अब हम चलते हैं सेटिंग करने, किस तरीके ऊ कॉमर्स जोन की सेटिंग की जा सकती है। तो हम तीन बातों को फिर से चर्चा करने चल रहे हैं, उसको ध्यान से देखिएगा। वो सीक्रेट की, एक्सेस की, और एफिलिएट आईडी की।
दोस्तों प्लगइन एक्टिवेट होने के बाद हम चलते हैं इंस्टॉल डिफ़ॉल्ट सेटअप पे। तो यहाँ पे इसको क्लिक करना है और यहाँ पे सेटिंग करनी है हमें, और यहाँ पे परचेज आईडी डालना है हमें, और बहुत सारी सेटिंग करनी है, हम बताते हैं आपको। तो ये देखिए ओज़ोन का आपका खुल रहा है, आपका कॉन्फ़िगर सेटिंग। यहाँ पे आइटम जो आपने परचेज किया उसकी ऑथेंटिकेशन यहाँ से एक्टिवेट कर लीजिए। और अमेज़ॉन कॉन्फ़िगरेशन के बारे में हम आपको बताने चल रहे हैं। अमेज़ॉन और कॉन्फ़िगरेशन किस तरीके से किया जाएगा, इसको वैसे ही रहने देना है, इसको भी वैसे रहने देना है। और यहाँ पे आपको जान डालना है एक्सेस की, और यहाँ पे सीक्रेट एक्सेस की, और एफिलिएट आईडी, हम इंडिया से हैं तो एफिलिएट आईडी। तो इन तीनों के बारे में चर्चा कर लेते हैं, कहाँ से मिलेगा। दोस्तों आपको अमेज़ॉन एफिलिएट के एसोसिएट्स प्रोग्राम में जाना है, अगर आप नए हैं तो यहाँ से जुड़ना है, और उसके बाद में ये आपका खुल जाएगा। और ये जो है आपका ये आईडी हो गया, एफिलिएट आईडी जो यहाँ पे डालना है, योर एफिलिएट आईडी। और फिर उसके बाद में यहाँ पे चलने के बाद दोस्तों आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पे प्रोडक्ट एडवर्टाइजिंग एपीआई पे क्लिक करना है। एपीआई पे यहाँ पे साइन अप होना है, और यहाँ पे आपका पेज खुलेगा, और ये कंसोल AWS खुलेगा अमेज़ॉन पे। और फिर यहाँ पे आपको नाम के नीचे यहाँ पे जो होगा, और यहाँ पे सिक्योरिटी क्रेडेंशियल में होगा, और इसको आपको यहाँ पे जा करके आपको एक कोड मिल जाएगा, ये दोनों कोड एक्सेस की और सिक्योरिटी की। तो यहाँ पे सिक्योरिटी एक्सेस की डाल देना है और सिक्योरिटी की डाल देना है, और यहाँ से नीचे, और यहाँ पे आईडी डालने के बाद यहाँ पे इंडिया सेलेक्ट कर लेना है, और इसको अमेज़ॉन को एकदम, ये अमेज़ॉन AWS की है, इसको चेक कर देना है, एकदम पूरा क्लिक कर देना है, और यहाँ से एकदम सेव कर देना है। इतना काम आप कर लीजिए पहले, तो मैं इतना काम करने के बाद आपसे, दोस्तों ओज़ोन की सेटिंग सेव करने के बाद हम फिर से चले आते हैं। आप अपने वो ई कॉमर्स की सेटिंग को भी सेव कर लीजिए, छोटी मोटी जो सेव आएगी उसको कर लीजिए, और उसमें पेमेंट का ऑप्शन खाली रख दीजिए, और उसके बाद में बस रन कर दीजिए, और कोई काम नहीं उसमें करना नहीं है। तो सिंपली तरीके से यहाँ पे आप रन विजार्ड कर दीजिए, या स्किप स्टेप कुछ भी कर दीजिए, स्किप सेटअप कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। लेकिन सेटिंग को आप सेव कर लीजिएगा अच्छे तरीके से, सेटिंग में यहाँ से जा करके यहाँ से कर। तो दोस्तों ई कॉमर्स का सेटअप करने के बाद हमें दोस्तों ई जोन की सेटिंग करने के बाद हमें चलना है अब ई कॉमर्स की सेटिंग पे। ई कॉमर्स की सेटिंग पे क्लिक करना है, कहाँ से, यहाँ से ई कॉमर्स की सेटिंग पे क्लिक करना है, और यहाँ से आपको कुछ नहीं करना है। आप इंडिया से हैं तो इंडिया को सिलेक्ट कर लीजिए, IND को सिलेक्ट कर लेते हैं। हम कहाँ से हैं, हम उत्तर प्रदेश से हैं, उत्तर प्रदेश के। तो चलिए यहाँ पे फिर क्या है, हमारे यहाँ कौन सी मुद्रा चल रही है, तो पता ही है हमारे यहाँ इंडियन रुपीज़ चलती है। तो सेलिंग लोकेशन, सॉरी ये सेलिंग लोकेशन ऑल लोकेशन कर दीजिए। चलिए इसको ऐसे ही छोड़ देते हैं हम लोग, और यहाँ पे चलिए यहाँ पे कुछ करना नहीं है, यहाँ पे हमें हम लोगों कुछ नहीं करना है। ये देखिए सेलिंग लोकेशन, इन सबको तो टैक्स की प्रॉब्लम हम लोगों को है नहीं, यहाँ पे इंडियन रुपी सेलेक्ट करना है। RUP अगर हम सेलेक्ट करें तो इंडियन रुपीज़ आ गया, और इंडियन रुपीज़ को जो है करेंसी पोजीशन अगर हमें लेफ़्ट साइड में दिखाना, तो लेफ़्ट बिल्कुल लेफ़्ट में रखिए, हमेशा रखिए, और सेपरेट करिए कॉमा से, और डेसिमल को इसी तरीके डेसिमल की तरह लगाइए, और टू डायमेंशनल तक लिखिए, डेसिमल तक लिखिए, और इसको सेव कर दीजिए। इतनी सी सेटिंग सेव करनी है, इम्पॉर्टेंट यही इतना था। उसके बाद में आप चाहें तो और सेटिंग करिए, या आप बाहर आ जाइए। तो यहाँ पे आपको प्रोडक्ट सेटिंग करनी है, शिपिंग सेटिंग करनी है, चेकआउट, अकाउंट, ईमेल, एपीआई, कुछ भी आपको सेटिंग नहीं करनी है। तो बस आपको स्टार्ट कर देना है। यहाँ पे आपको केजी, सेंटीमीटर, ये सारी सेटिंग डिफ़ॉल्ट रहती है, तो इसको डिफ़ॉल्ट रहने दीजिए, आपको कोई सेटिंग करने की और आवश्यकता नहीं है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ये देखिए बार बार ये मार्केट थीम और किंगडम थीम के लिए कह रहा है, आप इसको डिसमिस करिए। हमने आपको पहले ही बताया था कि अगर आप परचेज़ करना चाहते हैं तो परचेज़ कर लीजिए आप, हम इसको डिसमिस करते हैं, उस जोन में आ गए। तो चलिए हम यहाँ से इसको हम हटाते हैं। अब हमें थोड़ी सी अपनी वेबसाइट को ठीक कर लेना है, तो चलिए वेबसाइट को ठीक करते हैं। हम देख रहे हैं कि वेबसाइट कितनी ख़राब है, दिख नहीं रही है सही, इस तरीके की ई कॉमर्स साइट नहीं होती है। तो चलिए हमें इसे
बनाना है एफिलिएट साइट की तरह, तो इसको हम किस तरीके से बनाएंगे। तो यहाँ पे हमें जाना चलना है प्लगइन पे, प्लगइन पे देखते हैं हमने इंस्टॉल किया हुआ है कि नहीं किया हुआ है। तो ये देखिए हमने बीवर बिल्डर को एक्टिवेट किया हुआ है। अब हमें बीवर बिल्डर के सेटिंग में जाना है, रहता है यहाँ पे पोस्ट टाइप पे, यहाँ पे पोस्ट और प्रोडक्ट पे भी अगर आप करना चाहते हैं तो बिल्कुल कर सकते हैं, तीनों पे कर लीजिए, क्योंकि वो कॉमर्स को आपने इस्तेमाल किया हुआ है तो ये इसलिए तीनों का ऑप्शन आ रहा है, नहीं तो दो का ही ऑप्शन आता। तो चलिए इतना हमने कर लिया। टेसराइट थीम के बारे में कुछ चीज़ें बता रहे हैं तो इन सब को हम डिसमिस करते हैं। और तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। अगर कोई सुझाव है तो कमेंट के माध्यम से अपन बताएं, और नेक्स्ट वीडियो में हम आगे चर्चा करेंगे किस तरीके से इसको आगे बढ़ाया जा सकता है। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।